हेलो दोस्तों, आपका हमारे अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड में बुकमार्क बनाने का तरीका बताऊंगा। तो गाइज, मैंने रन पे विनवर्ड डाल के एमएस वर्ड खोल लिया है और इक्वल टू रैंडी स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट के ब्रैकेट बंद किया। इसके बाद में ये रैंडम मैटर यहाँ पे टाइप हो चुका है। इस मैटर को गाइज मैं एक छोटा सा सेंटेंस सेलेक्ट करता हूँ। कीबोर्ड से मैं शिफ्ट के साथ में राइट की प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद में मैं गाइज कंट्रोल शिफ्ट F5 करूंगा, जिससे कि ये बुकमार्क का विजार्ड ओपन होगा। और गाइज हमें यहाँ पे फेवरेट 1 देना है, नेम दे देना है और ऐड कर देना है। इसी टाइप से गाइज हमें दूसरा सेंटेंस या पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। मैं करता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट किया और इतना पोर्शन सेलेक्ट करने के बाद में गाइज फिर से कंट्रोल शिफ्ट F5 किया और उसे फेवरेट 2 के नाम से ऐड कर दिया। इसी टाइप से थोड़ा सा और सेलेक्ट करते हैं और सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं, फेवरेट 3 का नेम दिया, नेम देके ऐड कर देते हैं। गाइज क्या हुआ है कि जो हमने ये 3 पोर्शन को फेवरेट के रूप में सेव किया है, आप जब कंट्रोल जी करेंगे तो आप जब यहाँ पे बुकमार्क पे जाएंगे तो आपको राइट हैंड पे बुकमार्क चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जिस बुकमार्क को चूज करेंगे और गो टू पे क्लिक कर देंगे गाइज, आप डायरेक्ट उसी कंटेंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये है आपका बुकमार्क, जो कि आपके फेवरेट कंटेंट को एक नाम देके सेव कर देता है और बाद में आप उसे गो टू की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। गाइज आप अपने इस बुकमार्क का प्रयोग क्रॉस रेफरेंस बनाने में भी कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, रेफरेंसेस जो टैब आता है हमारा ऊपर टॉप पे, रेफरेंसेस टैब में गाइज जो ये क्रॉस रेफरेंस होता है, इसमें आप अपने बुकमार्क को भी एज अ क्रॉस रेफरेंस ऐड कर सकते हैं इस टाइप से। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, योर फ्रेंड अनुराग।